हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे 100% फिक्स कर सकते हो, वो भी चुटकियों में। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत सारे अदर वीडियो देख चुके हो बट आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल करेक्ट वीडियो में आए हो। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक वॉच करें और वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लें ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मैं YouTube पे जब भी लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और जानते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर पे क्लिक करते होंगे और उसके बाद यहाँ पे न्यू फोल्डर पे कुछ भी बना लेते हो और ओके करते होंगे। ठीक है, ओके करने के बाद आपको यहाँ पे यूज दिस फोल्डर का ऑप्शन शो करता होगा, इस पर क्लिक करके अलाउ कर भी दोगे फिर भी आपको ये एंड्रॉयड वर्जन आपको ये चीज़ परमिशन नहीं देगा। तो आपको यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपना जेड एक्चीवर को डिलीट कर लेना है। तो जेड एक्चीवर को डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना सेटिंग पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद स्टोरेज पे क्लिक करना है। उसके बाद इसका क्लियर कैच पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक करना है, फॉर स्टॉप पे क्लिक करना है, फॉर स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे आ जाना है और सेटिंग का बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना सेटिंग को फिर से ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद सर्च आइकन ऊपर शो करेगा। जो डिवाइस में सर्च आइकन नहीं शो करता है, आप लोग नीचे को स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ऐप्स का आइकन। तो ऐप्स वाले आइकन पे क्लिक करना है। ऐप्स वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद ऐप्स मैनेजमेंट का ऑप्शन शो करेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आइकन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आगे की तरफ ले जाने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप लोग भी ये सारी गेम प्ले करते हो तो इसका फाइल वगैरह परचेस करना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके या तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना मन पसंदीदा फ्यूचर्स वगैरह ले करके फाइल वगैरह क्रिएट करवा सकते हो, बनवा सकते हो, फुल मज़ेदार गेम प्ले कर सकते हो। तो जिसको भी चाहिए, जो गेम प्ले करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके फाइल परचेस कर सकते हो। अगर आप लोग गेम प्ले नहीं करते हो तो ये सारी चीज़ें को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अब हम वीडियो को आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। तो आपको सबसे पहले ऊपर देखने के लिए मिलेगा सर्च आइकन। जो डिवाइस में ऊपर सर्च आइकन नहीं शो करता है वो डिवाइस के लिए भी आप लोग को यह बता देते हैं, नीचे को स्क्रॉल करना है। नीचे को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे फाइल शो कर रहा है। ठीक है, ये दो फाइल शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको सर्च करके दिखाते हैं। सर्च आइकन पर क्लिक करना है, FILE टाइप करना है। फाइल टाइप करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे तीन फाइल या तो फिर दो फाइल या तो फिर एक फाइल शो करेगा, तो उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो सबसे ऊपर वाले क्लिक किए तो ये सेटिंग, ये फाइल में वो सेटिंग अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद फाइल बाय गूगल का ऑप्शन है, तो फाइल बाय गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मेरे ये फाइल बाय गूगल वाले ऑप्शन में वो सेटिंग अवेलेबल है। तो आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सा सेटिंग अवेलेबल है, कौन सा सेटिंग अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग ऊपर देखो तो थ्री डॉट का ऑप्शन शो कर रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन शो कर रहा है और ऊपर फाइल वाले आइकन पे क्लिक करते हो तो थ्री डॉट का ऑप्शन शो नहीं करता है। भी जाएंगे तो थ्री डॉट का ऑप्शन शो नहीं करता है, तो हम फाइल बाय गूगल में जाएंगे और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यूनस्टॉल अपडेट का आइकन शो कर रहा है, तो यूनस्टॉल अपडेट आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक से दो सेकेंड के लिए प्रोसेसिंग लेगा। अभी कोई कोई डिवाइस में लेगा, कोई कोई डिवाइस में नहीं भी लेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग करने देना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार का आइकन पे फिर से लेकर के चले आएगा। अगर आप लोगों को सॉल्व नहीं होता है तब भी आप लोग इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो हमसे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों, आपको अपना वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रहा था। मेरे डिवाइस में जेड एक्चीवर में ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रहा था। आप में हो सके तो MT मैनेजर में फेस करने के लिए मिल रहा होगा, हो सके तो कोई अदर एप्लीकेशन में फेस करने के लिए मिलता होगा। तो आप लोग वो एप्लीकेशन को जाकर के फिर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए जो भी एप्लीकेशन को डिलीट किए थे। तो हम यहाँ पे डाउनलोड पे लगा दिए, तो थोड़ा सा वेट करेंगे और आप लोगों को लैब टू लैब दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या तो फिर नहीं हुआ है। अब ओपन किए हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पर करके और यहाँ पे परमिशन डाल देंगे, अलाउड वगैरह कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद मेरा ये प्रॉब्लम एंड्रॉयड पे बहुत सारे भाई लोगों को OVP में प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलता है, तो OVP पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और परमिशन दे करके बैक करेंगे। ये मेरा यहाँ से प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ से जा करके एंड्रॉयड डाटा में जा करके चेकआउट करेंगे कि एंड्रॉयड डाटा में ये प्रॉब्लम फिक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। एंड्रॉयड
डाटे में जाने के बाद डू नॉट सो अगेन पे क्लिक करके ओके क्लिक करेंगे, यूज दिस फोल्डर का आइकन आपको शो कर जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे यूज दिस फोल्डर आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 100% ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है, 100% इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लैब टू लैब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएं, जो कि आप लोग बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, बट आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ होगा और आप लोगों का प्रॉब्लम इस वीडियो से 100% फिक्स हो चुका होगा। तो अगर आप लोगों का प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें दोस्तों, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लें, ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मैं यूट्यूब पे जब भी लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं सब लोग साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड्स बाय बाय।